हेलो माय क्रिएटिव व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक लैंडस्केप जो कि हम बनाएंगे एक्रेलिक कलर से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेने हैं एक्रेलिक कलर, और हमने इसमें सबसे पहले ब्लू एक्रेलिक कलर लेके जो हमारी रिवर है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले हम फर्स्ट कोट कर रहे हैं, तो जो रिवर का पोर्शन है वो कर लिया है। अब हम इसको ग्रास का पोर्शन करने के लिए ग्रीन का एक कोट कर देते हैं जो कि डार्क ग्रीन है, क्योंकि हमें पता है कि एक्रेलिक कलर में हम डार्क से लाइट कलर जलाते हैं। पहले हम डार्क कोट कर लेंगे और उसके ऊपर हमें फिर जो जितना लाइट करना होता है वो उसके ऊपर ऊपर करते जाते हैं। तो अभी जो लैंड को बनाने के लिए हमने ग्रीन कर लिया है, अब हम जो कुछ ट्रीज को इफेक्ट देने के लिए ग्रीन कलर कर रहे हैं, थोड़ा और डार्क शेड है ये, और ऐसे हमने ग्रीन का ट्रीज बना रहे हैं। हम इस तरह से डार्क ग्रीन से हम ट्रीज को बना रहे हैं। इसके बाद हमने स्काई को बनाना स्टार्ट किया है, तो हम ब्लू कलर लेंगे एक्रेलिक कलर, और इस तरह से हम ब्लू का एक पूरा कोड कर देंगे। यहाँ आप ब्लू के दो शेड देख रहे हैं, तो दोनों शेड को हमने कर लिया है इस तरह से, और इस तरह से फिर थोड़ा सा और टच और कर रहे हैं डार्क कलर से। इसके बाद हम माउंटेन को कलर कर रहे हैं। अभी सिर्फ फर्स्ट कोट ही लगा रहे हैं, जो जो कलर हमें करने हैं उसके फर्स्ट टचअप कर दे रहे हैं, उसके बाद बाकी उसमें इफेक्ट्स हम करते जाएंगे। तो ये हमारा कोबाल्ट ब्लू हमने इसमें कर लिया है। अभी देखिए पूरी पेंटिंग का जो फर्स्ट टचअप था वो हमने कर लिए हैं। अब धीरे धीरे इसमें हम जो इफेक्ट्स देने हैं, जो लाइट का इफेक्ट देना है वो आप देखेंगे मेरे हैंड की हैंडलिंग से, देखते जाएंगे कैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरह से हम माउंटेन का इफेक्ट दे रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लाइट करने हैं वहाँ लाइट कर रहे हैं, और इस तरह से टचअप करते जा रहे हैं इसमें। हाँ, मैंने फ्लैट ब्रश से काम कर रही हूँ। मैं ये 6 नंबर का फ्लैट ब्रश है, और इससे ज़्यादा अच्छे से काम होगा राउंड ब्रश के कंपैरिजन में। अब ये वाइट का टच कर रही हूँ, यहाँ भी मैं फ्लैट ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ। ये 4 नंबर फ्लैट ब्रश है, और ये आइस का इफेक्ट देने के लिए, माउंटेन में जो आइस होती है उसको इफेक्ट देने के लिए मैंने वाइट कलर का यूज किया है। और कहीं कहीं पर वाइट के साथ हम ब्लू का भी यूज कर रहे हैं। सीधे आपको इसमें वाइट कलर लगाना है, थोड़ा सा थिक कलर लगाएंगे, इसमें हम पानी वगैरह नहीं मिलाएंगे। आप मेरे ब्रश के हैंडलिंग देख रहे हैं कि हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा थिक कलर लगाया है वाइट का। माउंटेन में अपने कलर्स के इफेक्ट देते जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तभी आपको पेंटिंग में क्या काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, वो बारीकियों को आप समझ पाएंगे। अब इसी ब्रश के थ्रू हमने जो क्लाउड्स होते हैं उन पर इफेक्ट दिया है। पहले क्लाउड्स का जो हम मेन स्ट्रक्चर है वो हमने बस हल्का हल्का बना लिया है, और बाकी इफेक्ट आप वीडियो को देखेंगे, मेरे ब्रश की हैंडलिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम हो रहा है। वाइट कलर करने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको
स्प्रेड कर देंगे नीचे की तरफ। और उसके बाद देखिए मैं वाइट कलर लेके बिल्कुल अच्छे से उसकी डिटेलिंग कर रही हूँ, वो हाइलाइटिंग कर रही हूँ उसकी। अब इसके बाद हम नीचे नदी की तरफ आ जाते हैं और नदी पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा झरने का इफेक्ट दे रहे हैं, तो आप देखिए मेरे ब्रश को। और यहाँ मैंने राउंड ब्रश का भी यूज़ किया है, थोड़ा पतला ब्रश है। यहाँ आप दो नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और बाकी अपने अकॉर्डिंग 19-20 हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो नंबर का, तो बिल्कुल दो नंबर का यूज़ करिए, आप जैसा यूज़ कर पाए। या फिर जो मेरे ब्रश का मिलता है उल्टा आपको मिल जाए, उस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उसमें हम ग्रीन टच कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से इस पेंटिंग को बना सकेंगे, कि मैंने इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। आपको हर पेंटिंग, मेरी हर पेंटिंग को, वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको पेंटिंग अच्छे से बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप उसको बढ़ा कर देख लेंगे वीडियो, तो आपको लगेगा कि मुझे आ गया, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। इसमें हमने ब्लू से थोड़ा सा टच कर दिया। अब हम इसमें डार्क पर्शियन ब्लू से हमने जो पेड़ है उसके तने को बना दिया है। उसके बाद ये फैन ब्रश होते हैं, फैन ब्रश से थोड़ा हम काम करेंगे इसमें। और फिर ये फ्लैट ब्रश के थ्रू हमने इसको, इसके जो पेड़ हैं इसमें काम किया। जिस तरह से मैं ब्रश चला रही हूँ उस तरह से आप भी चलाइए, और शेप भी पेड़ का ऐसा ही होना चाहिए। फ्लैट ब्रश को थोड़ा नीचे की तरफ मोटा रखेंगे, ऊपर की तरफ पतला करते जाएंगे, जैसे कि ये पेड़ का स्ट्रक्चर है। यहाँ भी मैंने 4 नंबर की फ्लैट ब्रश का यूज किया है। यहाँ भी थोड़ा थिक कलर ही यूज करेंगे, पानी नहीं मिलाएंगे, सीधे हम ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। अब येलो ले लिया है, कैडमियम येलो है, ये भी जहाँ जहाँ यूज हो रहा है उसको देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ ब्रश से, उसको भी इस तरह से हम टच करते कर रहे हैं। इसे थोड़ा टेक्सचर दे रहे हैं, एक्चुअली ये टेक्सचर का है, तो इसमें पानी वगैरह नहीं मिलाएंगे। सूखे जो हमारा ड्राई कलर है उसमें हम ये थोड़ा जो ब्रश है इधर ड्राई चलाएंगे, तो ऐसा टेक्सचर जो है आएगा आपके में। अब इसमें हम ट्री में भी येलो से डिटेलिंग कर रहे हैं थोड़ा। अब आप इस वीडियो को देखते जाइए पूरा, और मेरे ब्रश की हैंडलिंग को, मेरे कौन से कलर में कहाँ यूज़ कर रही हूँ वो ध्यान से देखेंगे। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि एक्रेलिक कलर में हम मोस्टली डार्क कलर पहले करते हैं, और जो लाइट कलर होता है वो लास्ट में, मतलब जो आगे बढ़ते आते हैं उसमें लाइट लाइट और लाइट, तो ऐसे काम करते हैं। पहले लाइट करेंगे, फिर उससे भी लाइट जो होगा वो लास्ट में करते हैं, जबकि वाटर कलर में इसका उल्टा होता है। वाटर कलर में पहले लाइट करते हैं फिर डार्क करते हैं। जहाँ जहाँ पर हमको थोड़ा सा डार्क में चाहिए वो बाद में भी कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा डार्क भी कर देंगे, लेकिन मोस्टली जो काम होता है वो हमारा डार्क टू लाइट ही चलता है। इस तरह से आप पूरा वीडियो देखते जाइए और आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। मोस्टली हमारा पूरा काम हो गया है, अब जहाँ जहाँ से मुझे और काम लग रहा है मैं इसमें करती जाऊँगी। और पेड़ के तने में भी थोड़ा सा ब्लू का पेंट दे रही हूँ तने को दिखाने के लिए। Thank you.
अब हम ये जो पेड़ हमने बनाए छोटे छोटे माउंटेन के नीचे उन पर काम कर रहे हैं, और इस तरह से हम पतले ब्रश को लेकर ऐसे रख दे रहे हैं, और इस तरह से हम अपना धीरे धीरे काम पूरा कर रहे हैं। और ये देखिए इसमें थोड़ा सा ग्रीन का टच किया, लाइट ग्रीन का टच कर रहे हैं। इस तरह से आप पूरा वीडियो को देखिए, ब्रश के कौन से ब्रश मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ, कहाँ मैं पतले ब्रश यूज़ कर रही हूँ, कहाँ मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, कहाँ मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये से आपको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। और जब आप इन सब चीज़ों का देखेंगे, गौर करेंगे और यही चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो आप भी इस तरह की पेंटिंग बना सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल व्यू है हमारी पेंटिंग का, और थोड़ा सा टच मैं और कर रही हूँ। तो इस तरह से आप पूरा पेंटिंग देखिए, बनाइए, और आप भी इस तरह बना के मुझे सेंड करिए। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।